बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं छोले मसाला पाउडर की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो हमने बड़ी इलायची ली हैं, चार छोटी इलायची ली हैं, सात से आठ लौंग ली हैं, ये हमने जायफल ली है, ये जायफल का छठा हिस्सा है, डेढ़ हमने जावित्री ली है, दो बादियान के फूल लिए हैं, आधा चम्मच हमने काली मिर्च ली है, ये हमने तीन छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 10 से 12 साबुत लाल मिर्च, तीन बड़े चम्मच साबुत धनिया, एक बड़ा चम्मच ज़ीरा, एक बड़ा चम्मच सौंफ, एक बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, चार से पाँच तेज़पात के पत्ते लिए हैं, एक चम्मच सौंठ पाउडर, एक टेबलस्पून भरकर हमने अनारदाना लिया है। अब हम सूखे मसालों को पहले थोड़ा भून लेंगे। पहले हम डालेंगे लाल मिर्च, इसको हम रोस्ट कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे। अब पैन में हम धनिया, ज़ीरा और सौंफ डाल देंगे, इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सब मसालों को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे और एक बर्तन में निकालते जाएंगे। ये भी हमारा भुन गया है, इसको भी हम निकाल देंगे। अब हम डाल देंगे सारे खड़े मसाले, इनको भी भून लेंगे। भूनने के बाद इनको भी एक बर्तन में निकाल देंगे। अब इन सब मसालों को हम पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको हम ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। ये मसाले सारे अब ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। इसमें अब हम अपने सूखे मसाले भी शामिल कर देंगे, तिल, सौंठ पाउडर, अनारदाना, इनको भी अच्छी तरह मिक्सी में डालकर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने इसका पाउडर बना लिया है, हमारा छोले मसाला तैयार है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।